तो आज जो है चैप्टर वही है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक हाइपोथेसिस है एविल क्वार्टेट, क्वार्टेट मीन्स चार पॉइंट्स है, चार मेन कॉजेज है विच लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो देयर आर फोर मेजर कॉजेज दैट आर कॉल्ड एज एविल क्वार्टेट। तो सबसे पहले है लॉस ऑफ हैबिटेट, वन इज लॉस ऑफ हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, हम उसको काट देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो लॉस ऑफ हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज, हम कोई स्पीशीज, कोई स्पेसिफिक पेड़ है, लेट अस से पॉपुलस का पेड़ है या यूकेलिप्टस के पेड़ है, हम उगाए तो है ना, उनको काटी जाए काटी जाए काटी जाए, तो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन से क्या होगा, ग्रो तो इतने कर नहीं रहे, हम उसको एक्सप्लॉयट ज्यादा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पॉपुलस या यूकेलिप्टस जो भी हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। थर्ड आ जाता है इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक और एलियन स्पीशीज, मैंने आपको बताया है कि बाहर से एंडेमिक स्पीशीज को खतरा किससे है, एक्सोटिक स्पीशीज से, जो बाहर से स्पीशीज आ जाती है, एक बार वो एस्टेब्लिश हो गई, एक बार उन्होंने हैबिटेट को अडेप्ट कर लिया, तो वो दे विल ग्रो लाइक एनीथिंग, ठीक है, उनकी एकदम बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि उनके क्या है, पेस्ट नहीं है, प्रीडेटर्स नहीं है, तो एलियन स्पीशीज बहुत जल्दी स्प्रेड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था आइशोर्निया, जिसने पूरे हमारे जो है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, आइशोर्निया को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्यों, क्योंकि बंगाल के जो छोटे मोटे पॉन्ड्स थे, लेक्स थे, सब खत्म कर दिए है आइशोर्निया ने। और उसके बाद फोर्थ आ जाता है को एक्सटिंक्शन, एक एग्जाम्पल मैंने दी थी कि डोडो के साथ एक प्लांट है, स्पेसिफिक प्लांट, और उस प्लांट का क्या नाम है, साइडेरोजाइलॉन, ठीक है, उसकी भी एक्सटिंक्शन साथ साथ हो रही है, कोई इंसेक्ट, कोई पॉलिनेटिंग इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो जाए तो साथ साथ जिस प्लांट की पॉलिनेशन वो कर रहा है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है, मतलब ये चार तो मेन है, देन फिफ्थ इज, फिफ्थ इज पोल्यूशन, देन सिक्स्थ इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, और आपको पता है झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं कि एक जगह का फॉरेस्ट काटते हैं और वहां पे हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड बनाते हैं, फिर आगे से फिर हम नेक्स्ट सीजन में क्या करते हैं, आगे का फॉरेस्ट काट दिया वहां पे, तो दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन, सो दिस लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो अनदर इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है जी, तो लॉस ऑफ हैबिटेट फर्स्ट पॉइंट आ जाइए, दैट इज लॉस ऑफ हैबिटेट, इट इज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, इट इज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड एक्सटेंसिव
इंडस्ट्रियलाइजेशन विच कॉजेस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड ड्यू टू विच मेनी प्लांट्स आर कट कॉमा एनिमल्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड ड्यू टू लैक ऑफ हैबिटेट उनका घर भी चेंज जाएगा उनसे खाना भी चेंज जाएगा एनिमल्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड लैक ऑफ हैबिटेट इट कॉजेज डिसरप्शन ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स Thus disturbs the whole ecosystem. Thus disturbs the whole of the ecosystem. Forest area, tropical forests. नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही कर लेना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वंस ऑक्यूपाइड 14% ऑफ द लैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वंस ऑक्यूपाइड 14% ऑफ द लैंड विच इज नाउ रिड्यूस्ड टू ओनली 6% विच इज नाउ रिड्यूस्ड टू ओनली 6% The largest rainforest that is Amazon rainforest, South America mein hai. Amazon rainforest, the largest rainforests that is Amazon rainforests used to be called as lungs of the earth. Isko underline karna. Used to be called as lungs of the earth because it occupied much of the land area in South America and consisted of millions of species. But today it is reduced because a large part of it is cleared to cultivate soya bean and also converted into grasslands as pastures for cattle. ठीक है सोयाबीन उगाने के लिए और कैटल को पालने के लिए हमें ग्रास लैंड चाहिए तो बहुत पास्चर्स फॉर द कैटल इन न्यूजीलैंड ऑल्सो 90% ऑफ द वेटलैंड्स Wetlands have been destroyed by the European settlers. By the
यूरोपियन सेटलर्स। नेक्स्ट आ जाता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हमने बहुत ज्यादा मारना शुरू कर दिया उनको, हम ब्रीड तो करवा नहीं रहे एनिमल्स को, बट उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मार रहे हैं, जिससे वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो एग्जांपल ओवर एक्सप्लॉयटेशन में एग्जांपल सबसे ज्यादा कौन सी है, दैट इज डोडो, है ना, और डोडो बर्ड। ये इनिशियली कहाँ पे हुआ करता था, मॉरिशियस में, मॉरिशियस में बेटा। फिर क्या हुआ, यूरोपियंस आए, है ना। डोडो शायद मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, डोडो इज ए फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। और जो मॉरिशियस के लोग है ना, वो तो डोडो को पूछते थे इसलिए वो उसको मारते नहीं थे। तो एक तो डोडो वैसे ही नहीं उड़ता ज्यादा, थोड़ा बहुत जो उड़ता है उसको इंसानों से डर ही नहीं लगता था क्योंकि कोई उसे मारता नहीं था, इसलिए वो जो जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होती है ना वहां पे रहता था। उधर से आ गए यूरोपियंस, यूरोपियंस ने जो है खाने के लिए उनको एक दो डोडो मारे। डोडो बहुत बड़ा बर्ड है जिससे उनको बहुत ज्यादा फ्लैश मिला और वो उन्हें अच्छा भी लगा। और फिर उन्होंने लगातार जो है ना डोडो को, रोज उन्होंने डोडो को मारना, और डोडो को बेचारे को मतलब वो पहचान नहीं पाता था कि ये मुझे मारेगा कि नहीं मारेगा, क्या करेगा इंसान ये वाला। तो इसलिए उन्हें भागना भी नहीं आया, वो इंसानों से भागे नहीं और इंसानों ने उनको बहुत जल्दी से मार के उनको खत्म कर दिया। बेवकूफ लोग है, ठीक है ना। सो डोडो बर्ड अनदर इज स्टिलर्स का। आपने कहा था कि वो शिप्स आई थी उसमें कैट्स भी थे, ये और भी होगा, मतलब उन्होंने वो डोडो को बचाया नहीं, मारते ही चले गए, चाहे वो कैट्स के लिए या समथिंग। बट कैट्स तो नहीं, डोडो बर्ड तो काफी बड़ा होता है, कैट्स नहीं उनको मार सकती। इट इज ए लार्ज बर्ड, इट वॉज ए लार्ज बर्ड इन फैक्ट। अनदर इज स्टिलर्स काउ, डोडो बर्ड, स्टिलर्स काउ, अनदर इज पैसेंजर पिजन, है ना। वो जब पहले पिजन्स के थ्रू मैसेजेस भेजते थे उनको बेचारों को, उनके पंजों पे मैसेजेस बांध बांध के बेचारों को जख्मी कर दिया होगा, अब तो इधर भाग, अब तो इधर भाग, है ना, और चल खत्म हो गए पैसेंजर पिजन, ठीक है। अनदर इज थ्री सब स्पीशीज ऑफ टाइगर। अनदर इज मैनी वेराइटीज एंड स्पीशीज ऑफ फिश, मरीन फिशेस, बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। तो इसमें लिख लो एक्सोटिक एलियन स्पीशीज आर दोज, विच आर इंट्रोड्यूस्ड into a region from another region. Second point लिख लीजिए, alien species sometimes gets so much adapted to the new habitat, that they become a serious and harmful pest that start causing extinction of
एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पीशीज, नेटिव और एंडेमिक स्पीशीज, नेटिव और एंडेमिक स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल आइशोर्निया या वॉटर हेयासिंथ, एग्जाम्पल लिख लीजिए वॉटर हेयासिंथ HYACINTH और आइशोर्निया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन वॉटर्स, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन वॉटर्स टू रिड्यूस हैवी मेटल पोल्यूशन. ये देखा गया था कि आइशोर्निया जो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करता है. टू रिड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन वॉटर्स टू रिड्यूस हैवी मेटल पोल्यूशन. बट ड्यू टू इट्स हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, इट स्प्रेड सो क्विकली क्योंकि इसकी कैसी रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है, इसमें क्या होते हैं ऑफसेट्स है, तो कटे नया आइशोर्निया, फिर थोड़ा सा पार्ट कटा, फिर नया आइशोर्निया. ड्यू टू वेजिटेटिव हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इट स्प्रेड सो क्विकली दैट इट क्लॉग्ड, CLOGGED, इट क्लॉग्ड most of the wetlands, thus causing extinction of aquatic flora and fauna. नेक्स्ट है नाइल पर्च. ये एक फिश है, अ प्रेडेटरी फिश. क्या नाम है इसका? नाइल पर्च. वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ अफ्रीका, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ अफ्रीका इन लेक विक्टोरिया. It caused extinction of 200 species of, आप देखो जरा कितना ग्रेट है, 200 species of chichlid fish. एक ये स्पेसिफिक फिश है, आप ये देखो ये फिश बेचारी एक्सटिंक्ट हो गई होगी. 200 species of chichlid fish. थर्ड एग्जाम्पल आ जाती है लेंटाना. लेंटाना आपने पहाड़ों पे देखे होंगे बेटा, जो स्लोप्स होती है पहाड़ों पे, वहां पे ऑरेंज से फ्लावर्स होते हैं लेंटाना के. जो हिली एरियाज में रहते हैं उन्होंने जरूर देखे होंगे, ऑरेंज से फ्लावर्स है और सारी वो स्लोप्स जो है वो कवर्ड है लेंटाना से. ठीक है, तो लिख लो लेंटाना, LANTANA, लेंटाना कैमारा, CAMARA, लेंटाना कैमारा, एन एग्जॉटिक स्पीशीज इन इंडिया, हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ एंडेमिक टेक्टोना ग्रैंडिस इन नॉर्थ ईस्ट. आप ना बेटा जो टेक्टोना ग्रैंडिस इज टीक वुड जो है ना बेटा, दो जगह मिलती है,
एक आप मार्केट में जाओगे ना टीक वुड कहेंगे तो वो कहेंगे भी दो टाइप की है, एमपी टीक होती है या असम टीक होती है, ठीक है। और आप कहोगे भी हमें असम टीक चाहिए तो वो कहेंगे जी असम टीक तो अवेलेबल नहीं है, असम टीक नहीं है, एमपी टीक का बनवा लो जो फर्नीचर बनवाना है। तो असम टीक बेस्ट टीक, इट वॉज यूज टू बी द बेस्ट टीक, ठीक है। बट क्योंकि लंटाना ने खत्म कर दिया है फॉरेस्ट को, नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट जो है वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेजन हो गई है उन फॉरेस्ट में लंटाना की, जिसकी वजह से वहां पे जो टीक वुड है वो बहुत, टीक वुड ट्रीज जो है टेक्टोना ग्रैंडिस वो बहुत ज्यादा उनकी कमी आ गई है, रिड्यूस हो गया। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में अब टेक्टोना को काटना जो है वो बैन हो गया है। इसलिए असम टीक आजकल कोई स्मगलिंग होती हो तो मुझे नहीं पता, बट लॉजिकली या लीगली जो असम टीक है वो मार्केट में नहीं मिलती है, एमपी टीक मिलती है। वैसे तो टीक ही नहीं मिलती है आजकल, सब जितनी बर्जी लकड़ी लेके वो सब एमपी टीक के नाम पे बेचते रहते हैं। कोई छोटी सी दुकान में चले जाओ वो भी कहेंगे टीक वुड का फर्नीचर है जी, कोई बड़े शोरूम में चल जाओ टीक वुड का फर्नीचर है, ठीक है। आई डोंट नो कि कितना का ओरिजिनल वो टीक देते हैं, बट असम टीक कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए पार्थीनियम, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सुना है आपने, और ये तो हम मतलब तुम तो चलो बच्चे होंगे, तुम्हारे सामने तो नहीं, बच्चे भी क्या तुम्हारे सामने तो नहीं, बट ये 81-82 में अमेरिका से कनक आई थी, ठीक है। एंड कनक के साथ, वीट के साथ कुछ थोड़े मोड़े इसके स्पोर्स या प्लांट्स आ गए थे पार्थीनियम के, और अब देखो अब इंडिया में सारी जगह जो है वो पार्थीनियम कांग्रेस ग्रास फैल गई है, ठीक है।